हमारी पूजा हो चुकी है और देखिए आज है बट सावित्री के बाद होता है बरसात है, तो हमने पूज ली है, तो अनुप नहा धोकर ही पूजा करने जा रहे हैं। तो पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा होती है, तो हम ये कहेंगे गंगा मैया में जब तक की पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी जिंदगानी रहे मैया मैया, हो गंगा मैया मैया, हो हो गंगा गंगा मैया। मैया। तो गुड गंगा मैया इवनिंग, गुड की मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गई, तो गंगा माँ की जय। मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर, आगे क्या क्या है। तो अनूप की पूजा की देखिए तैयारी शुरू हो गई है, पूजा हो रही है, ठीक है ना। तो बने रहिएगा, हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है बताइएगा, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाइक सब कीजिएगा, ठीक है ना। और अनूप से अगर हम ब्लॉगिंग करवाने बैठ गए ना, तो अनूप की हमारी ब्लॉगिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी, सिर्फ गाने सिर्फ गाने के अलावा और कोई काम नहीं। ब्लॉगिंग तो एक दिन अनूप से ब्लॉगिंग करवा के बुलवा के देखेंगे, मजा आएगा, है ना। कैसी ब्लॉगिंग बोली, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पर, तो मिलते हैं आपसे कल, अच्छा सा ब्लॉग लेकर के आएंगे, ठीक है। बाकी हमारा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, कमेंट्स दीजिएगा प्यारे प्यारे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं यूपी ब्लॉगर ऑलराउंडर राखी बोल रही हूँ, और आज क्या है आप सोच रहे होंगे, बज रहा है मॉर्निंग का 7:15, और 7:15 बजे देखिए मैंने आज साड़ी पहनी हुई है, और मैं साड़ी पहनकर 7:15 बजे आज क्या कर रही हूँ। तो आज है, फटाफट काम कर लेते हैं, आज है बरसातें, आपको पता होगी ब्रह्मावस थी मंडे की पिछले, तो एक हफ्ते बाद बरसातें होती है, सेम वैसे ही पूजा होती है बट सावित्री जैसी और बरगद के पेड़ की, ठीक है। तो आज भी वैसे ही सेम व्रत है, तो हम बना रहे हैं अब रोटी। इसमें नहा धोकर के ही आते हैं खाना बनाने, तो नहा धोकर जस्ट मैं आ गई, और बस सब्जी वगैरह देखिए, ये काशी फल है, काशी फल बना रही हूँ, और गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ रसे वाली, और दही रखा हुआ है, ये रायता बनाऊंगी और पोहे बनाऊंगी। तो फटाफट से मैंने कढ़ाई और कुकर सब चढ़ा दिए हैं, मैं पहले बनाती हूँ खाना, क्योंकि अनूप को ऑफिस जाना है, इसलिए फटाफट से अपने रेडी। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन कौन करता है बरसातें, ठीक है। तो आज है मंगलवार, तो आज बरसातें लोगों ने कल भी कर ली थी, आजकल तो हर त्योहार दो दो बार हो गए हैं, तो बताइएगा किस किस के घर होती है। और फ्रेंड्स, मेरी मेरी वीडियो 2 दिन से अपलोड नहीं हो पा रही है किसी वजह से, तो प्लीज मेरी वीडियो पर बने रहिएगा और साथ बनाए रखिएगा, ठीक है ना। तो बाकी मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती है ना, और गर्मी इतनी है बस, क्योंकि साड़ी पहनकर पूजा करो तो मजा ही अलग है ना, साड़ी पहनकर अदर लुक आता है। तो मैं पूजा जहां तक कोशिश करती हूँ मैं साड़ी ही पहनू पूजा में, तो खिड़की का देखिए वो आ रहा है ना धूप सी, तो शायद पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी वैसी आ रही है तभी। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं मेरी वीडियो पे या जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग पॉप टॉक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नई उम्मीद नई किरण नई आशा लेकर आया है, तो साथ बनाए रखिएगा पॉप टॉक, ठीक है। टेक चैंपियन सपोर्ट अंशु सर का चैनल है नया पॉप टॉक, तो मैं उसी के बारे में डेली डिस्कस भी कर रही हूँ, और 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था तो उस पर डिस्कस नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और कहते हैं ना सबका साथ और सबका विकास, कभी कभी ये भी लाइफ में लोग सोचते हैं कि सबका विकास तो हो रहा है लेकिन हमारा विकास कैसे होगा, तो बस उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो सबका साथ सबका विकास में सहयोग करिए और चेन बनाइए। हम लोग भी कोशिश करें, जितने लोग हम लोग बाइटी पे एक दूसरे की है ना, कोई भी अन्न ना करे, और वीडियो पे कोई किसी का जैसे ना, मैं भी 2 दिन से किसी की वीडियो पर नहीं जा पा रही हूँ, तो सपोर्ट बनी रहनी चाहिए, ये नहीं है कि हम 2 दिन से क्यों नहीं गए, तो कोई रीजन तो होगा ना। तो प्लीज बनाइए, और बस फटाफट से हम पहले तैयारी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, पूजा की भी तैयारी बाकी है, सब तैयारी भी बाकी है, बस नहा धोकर किचन में आते हैं, क्योंकि बिना नहाए धोए खाना या पूजा की तैयारी नहीं करते, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मेरी सब तैयारी हो गई है, गोभी आलू बन गया और सब्जी बन गई कद्दू की गंगा फल, ठीक है ना। बताइए किस किस को गंगा फल अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी तो अच्छा लगता है ना गंगा फल खाने में। तो बस रायता बन गया, आटा बन गया, और पोहे की तैयारी होगी, फटाफट पूजा की तैयारी करूंगी, अभी पार्क में जाऊंगी तो तोड़कर लाऊंगी बरगद, देखिए सामने बरगद का कितना बड़ा पेड़ है,
तो बस बरगद के पत्ते लाऊंगी, बरगद की टहनी की पूजा होती है ना, तो बस थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है और अनूप और मेहुल अभी सो रहे हैं, बस मेरी तैयारी हो गई, ये लोग उठेंगे 8 बजे करीब थोड़ी देर बाद, जब तो मैं पूजा वूजा करके आराम से इन लोगों को उठाऊंगी। और मिट्टू अपने वॉक कर रहे हैं, कमरे में घूम रहे हैं इस समय। तो फ्रेंड्स, अगर किसी का ब्लॉग 2 दिन नहीं आ पाता है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन नहीं आए तो वीडियो पता नहीं कहाँ या कोई आता भी नहीं है ना, इसलिए सपोर्ट बनाए रखिएगा अपनी। और गर्मी बताइए कितनी चरम आसमान पे है, ये जेठ और आषाढ़ की गर्मी सबसे ज़्यादा भयंकर होती है, फिर उधर अगस्त सितंबर की भी होती है चिपचिप वाली, है ना, कूलर में चिपचिपाहट होने लगती है बिना एसी के काम, उस सितंबर की गर्मी तो बाप रे। लेकिन गर्मी भैया कैसी भी हो, सब गर्मी का मौसम मुझे बहुत ही इस समय ऐसा लग रहा है कि बस खाना बनाना मुश्किल है। तो बस सीटी आ चुकी है मेरी और मैं गैस बंद करने जा रही हूँ। गर्मी में ना इतने काम पेंडिंग हो जाते हैं कि करने का मन नहीं होता, कॉल करने का मन नहीं होता घूमने के बाद, और बस खाना बनाओ भी ना तो ऐसा लगता है बस तुरंत तो फटाफट से बनाकर और किचन में से बाहर निकले हो। पहले के ज़माने में पता नहीं क्या होता था, लोग इतने सारी फैमिली बड़ी होती थी और 20-20 लोगों का खाना बनता था, और पहले के लोगों की डाइट भी ज़्यादा हुआ करती थी, आजकल के तो लोगों की डाइट भी नहीं होती है, दो रोटी खाई बस हो गया खाना, है ना। पहले के लोगों की डाइट कितनी होती थी तो लोग कितना, लेकिन पहले एक बात अच्छी थी, घर में ताऊ चाचा बुआ छुपा जो भी था जेंट्स लेडीज सब बाहर का घर का काम आराम से मेरी बात से होता था, लेकिन आजकल क्या है कोई भी नहीं करना चाहता, घर के लोग ही नहीं करना चाहते हैं काम, क्योंकि तैयार व्यार होके आते हैं। पहले देखिए पहले के टाइम में पूरा फंक्शन हो जाता था, लेकिन घर के लोग ही खाना वाना बना लेते थे मिलवा के, लेकिन अब कोई नहीं करता। तो गर्मी पहले के लोग बात समय, अभी भी गांव में लोग जो हमारी सिस्टर्स लोग हैं गांव में, वो कैसे पर्दे में रह करके अभी भी कितना खाना पीना चूल्हा चौकी सब करती हैं बाप रे। तो हम लोग की लाइफ तो बहुत अच्छी है, सब अपने गर्मी है, छोटी फैमिली है घर में, झाड़ू पोछे बर्तन वाली भी लोगों के घर लगी हुई है, कितना आराम है ना। तो गांव की बात करें अभी भी देखो तो वो पर्दा वगैरह सब, इतनी गर्मी में लेडीज लोगों की बहुत आफत है। तो त्योहारों की रौनक भी खैर गांव में ही रह गई है, गांव में ही मजे आते हैं त्योहारों में, जब शहरों के त्योहार क्या है बस कर लिया खा लिया पी लिया और खा लिया पी लिया, क्या अब तो खाना पीना तो हम लोग डेली ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है कभी बन ही जाता है ना, खाना पीना की तो ऐसी बात है कि सभी के घर डेली फूल मेरे रखे रहते हैं परमानेंट फ्रिज में देखिए। तो बस पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, तो खाना पीना की तो ऐसी है, शहरों में क्या सब तरह का नाश्ता खाना पीना चलता रहता है, तो त्योहारों की रौनक सी खत्म हो गई है। पहले इंतजार करते थे देखिए आम इतना मीठा, हमें पता 30 रुपये किलो, कल मैं आ रही थी रास्ते में ठेला भरा हुआ जा रहा था, इतना जबरदस्त मीठा है, मैंने ज्यादा भी नहीं 2 ही किलो लिया, लेकिन अब लग रहा है मैं 5-6 किलो ले लेती, बहुत ही मीठा है। तो ये होता है रौनक जो है ना, बस पहले बच्चे भी ना त्योहार होता था तो बच्चे भी पता है कूद कूद के हर चीज़ पुए वगैरह पूड़ी हर चीज़ खाते थे, लेकिन ना मेरा बेटा तो कुछ नहीं खाता, आप लोग बताइए आपके बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं, मेरा बेटा कुछ नहीं खाता, पुए कुछ नहीं कहता, ये आप ही लोग खाओ, ये ऑयली है पूड़ी भी नहीं खाता, उसके लिए भी और कुछ बनेगा वो नहीं खाएगा पूड़ी वगैरह। तो बच्चों का ये हाल हो गया है, पहले बच्चे पूड़ी बनने का पुए बनने का इंतजार करते थे, क्योंकि पहले के टाइम में हम लोग के टाइम में कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं थी कि अंचल ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, सिर्फ खाना ही था और पुए पूड़े त्योहारों का इंतजार होता था, वेट होता था 2 दिन रखे कचौड़ी पूड़ी बासी अच्छी लगती थी, लेकिन त्योहारों का मज़ा वास्तव में खराब सा हो गया है सभी। आज भी गाँव में रौनक अभी भी है वैसे, है ना, बताइएगा कमेंट्स करके कौन कौन हमारी सिस्टर्स लोग गाँव में रहती हैं और गाँव में अभी भी वास्तव में हर तरफ हरियाली रिश्ते नाते और अपनी मस्ती वो एंजॉय जो हम लोगों ने बचपन में किया, आज के बच्चे क्या मोबाइल लिए बैठे हैं क्या एंजॉय करेंगे बताइए। तो बातें करते करते आपसे मेरी दोनों सब्जियाँ गंगा फल, आज मैंने गंगा फल पता है कुकर में सीटी मार ली, बिल्कुल थोड़ा सा पानी देकर से बहुत अच्छा बन जाता है, जल्दी बन जाता है अच्छा ही होता है। तो बस दोनों सब्जियाँ मेरी रेडी हो गई, ऐसा रेडी हो गया आटा लग गया और पुए, अब मैं पूरी और पुए पुजापा निकलता है हमारे यहाँ, तब पटापट से पुजापा निकाल लेती हूँ, पंडित जी को खाना देने जाऊंगी पुजापा, उसके बाद अनूप के लिए जाने की तैयारी करूंगी। अभी अनूप के जाने में इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी ना हो, क्योंकि अनूप काफी टाइम होता है, तो मेरी पूजा वगैरह और सब काम ये काम निपट जाए,
आपसे मैम भाई बरगद की जल्दी तोड़ने जाएंगी, जाऊंगी मैं पार्क में, ठीक है, पेड़ बरगद की तो वो लेने जा रही है पार्क में। करने जा रही हूँ पूजा, देखिए बर की डंडी तोड़ के लाई हूँ और इसमें जो कली होती है ना, देखिए बीच में एक कली दिख रही होगी आपने, बीच में ये कली सी होती है ना, इसको तोड़कर चने भिगो रखे हैं, चने के साथ हम लोग इसको खाते हैं, काले चने भीगे हुए, ठीक। तो हम तैयारी कर लिए हैं, पूजा की तैयारी लगभग हो चुकी है और ये डंडी पूजा में रखेंगे। देखिए पुए और पूड़ी बन चुके हैं, इसको हम पंडित जी के लिए सात का और चार पुए, सात पूड़ी का ये पुजापा निकालेंगे, इसमें रुपए रखेंगे और चार पुए, और सब्जी वगैरह तो अलग से दे देते हैं अलग से खाना, लेकिन ये पुजापा पुजारी जी को जाएगा। तो ये देखिए पूजा की तैयारी मेरी हो गई है सब, अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं।